बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट सर्कुलरिटीज की हमारी क्लास है, चैप्टर नंबर 11 है। टॉपिक हमारा हीट है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर पढ़ रहे हैं। कल हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट पढ़ ली थी और स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ आपको बताया गया था कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास होती हैं और इसकी हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है। इनफैक्ट आपको नाम लिखा दिए थे, चार हमारे पास मेरे बेटा इसकी एप्लीकेशन होती हैं, जिनमें से दो एप्लीकेशन आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज इंशाअल्लाह हम जो रिमेनिंग दो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज जो पहला प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे इसका नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। मैंने आपको समझाया था, बताया था कि जो लफ्ज आइसो होता है इसके मतलब होता है कांस्टेंट रहना, फिक्स रहना, सेम रहना। जो वर्ड आइसो इस्तेमाल करते हैं, इस आइसो वर्ड के मतलब होते हैं किसी चीज का फिक्स रहना, हमारे पास मतलब होता है फिक्स रहेगा। और जो लफ्ज थर्मल इस्तेमाल किया जाता है, थर्मल के मतलब होता है टेम्परेचर। जो लफ्ज थर्मल हमारा होता है ये टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है। यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगी मेरे बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे उसको कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। तवज्जो से, गौर से, ध्यान से सुनिएगा। सवाल आपसे ये कह रहे हैं मेरे बेटा कि कैसा प्रोसेस जिसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और साथ में हीट सप्लाई भी कर रहे हो। इन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, क्या चीज़ कांस्टेंट है मेरे बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट सप्लाई भी की जा रही है। अब आपके लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है, एक चीज को हम हीट सप्लाई भी करें और उसका टेम्परेचर सेम भी रहे। हीट को सप्लाई भी किया जाए और उसका टेम्परेचर भी सेम रहे, ऐसा किस तरह मुमकिन है? जरा तवज्जो से, गौर से सुनिएगा। एक लॉ होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स लॉ ऑफ प्रेशर। अगर आपको पता हो कि पी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमारे पास क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके मेरे बेटा, पी प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी कि तवज्जो से गौर से देख लीजिएगा कि अगर हम टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर को कम करते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तवज्जो से मेरी जुमला गौर से सुनना, यानी किसी चीज के टेम्परेचर को अगर हमने वेरी करना है तो टेम्परेचर को वेरी करने के दो तरीके होते हैं। एक तो उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हीट उसको हीट निकाल ले ठंडे बॉडी पर रख देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। फ्रिज में किसी बॉडी को रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। एक तरीका तो टेम्परेचर को कम ज्यादा करने का ये होता है कि हम उसको हॉट बॉडी पर रख देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोल्ड बॉडी पर रख देंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। मगर इसके साथ साथ टेम्परेचर को वेरी करने का एक तरीका हमारे पास और भी होता है, और वो तरीका होता है प्रेशर में तब्दीली का। वो तरीका क्या होता है मेरे बेटा, वो तरीका हमारे पास होता है प्रेशर में तब्दीली का। प्रेशर को वेरी करके भी किसी बॉडी के टेम्परेचर को हम चेंज कर सकते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर कम करेंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर कम करेंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि टेम्परेचर को वेरी करने के लिए हम प्रेशर को भी वेरी कर सकते हैं। टेम्परेचर को वेरी करने के लिए हम प्रेशर को भी वेरी कर सकते हैं, ये बात जहन में रखिएगा तो मामला ज़रा आसान हो जाएगा। अब सवाल आपसे ये कह रहे हैं मेरे बेटा कि हमने वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे ड्यूरिंग सप्लाई ऑफ हीट। दिमाग तो ये कहता है कि जब हीट देंगे सिस्टम को तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
मगर ख्वाहिश ये है कि टेम्परेचर सेम रहे। ख्वाहिश क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि टेम्परेचर हमारा सेम रहे। इसके लिए हम सहारा लेंगे प्रेशर का। इसका सहारा लेंगे बेटा, अब इसके लिए प्रेशर का सहारा लेंगे। हम क्या करेंगे कि सिस्टम को हीट देंगे, सुनना गौर से ध्यान से, सिस्टम को हीट देंगे। जब सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे, हॉट बॉडी पर रख देंगे, चूल्हे पर रख देंगे, उसको हीट मिल जाएगी। सिस्टम को हीट देंगे जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और एट द सेम टाइम उसी वक्त उस पर से प्रेशर को कम कर देंगे। क्या करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे, प्रेशर को कम कर देंगे। जो प्रेशर में कमी है वो टेम्परेचर में कमी का बायस बनेगी। जो प्रेशर में कमी है वो टेम्परेचर में कमी का बायस बनेगी। जो हॉट बॉडी पर रखा है उससे आने वाली हीट टेम्परेचर में इजाफे की वजह बनेगी। हॉट बॉडी से उसको हीट मिल रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कम होगा। नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा, टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा। इसकी एक सादा सी सेल सी एक और मिसाल देता हूँ, फिर सुनना, फिर आपको शायद बात और अच्छे तरीके से समझ आए। घर में एक होता है वाटर कूलर, किसी घर में होगा किसी घर में नहीं होगा। वाटर कूलर खाली है, उसको नल के नीचे रख के ऊपर से नल खोलेंगे तो वाटर कूलर के अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, वाटर कूलर के अंदर पानी हमारा भरना शुरू हो जाएगा, ऐसी होगा ना भाई। अगर नीचे से वाटर कूलर का टैप भी खोल दे, क्या करें, नीचे से वाटर कूलर का टैप खोल दे, अब जब टैप खोलेंगे तो वाटर कूलर से पानी बाहर जाना शुरू हो जाएगा। वाटर कूलर में से पानी क्या होगा, बाहर जाना शुरू हो जाएगा। अब ऊपर का जो हमने नल टैप खोला है उसमें से कूलर के अंदर पानी आ रहा है, ऊपर के टैप से घर के नल से क्या हो रहा है, पानी कूलर के अंदर आ रहा है, कूलर का अपना टैप खुला हुआ है, उसमें से पानी बाहर जा रहा है। खड़े रहो, भर जाएगा कूलर, तो नहीं भरेगा ना यार, जितना पानी कूलर में आ रहा है इतना पानी कूलर से बाहर जा रहा है। नतीजा क्या होगा, कूलर में जो वाटर का लेवल है वो वाटर का लेवल सेम रहेगा। इसी तरीके से बिल्कुल सेम लॉजिक के ऊपर सिस्टम के अंदर हीट आएगी जो टेम्परेचर में इजाफे का बायस बनेगी, उस पर से प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, जो टेम्परेचर में कमी का बायस बनेगा, जो टेम्परेचर में कमी का बायस बनेगा। नतीजा क्या होगा, ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर हमारा सेम रहेगा। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। चूंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है लिहाजा इंटरनल एनर्जी भी कॉन्स्टेंट होगी। टेम्परेचर का ताल्लुक होता है इंटरनल एनर्जी से, टेम्परेचर का ताल्लुक होता है इंटरनल एनर्जी से। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। दूसरे अल्फाज में इंटरनल एनर्जी में होने वाली तब्दीली डेल्टा यू जीरो हो जाएगी। जो इंटरनल एनर्जी पहले होगी वही इंटरनल एनर्जी बाद में होगी। डेल्टा यू की वैल्यू सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, वैल्यू U की वैल्यू सेम रहेगी, जो U1 होगा वही U2 होगा। लिहाजा समझ लो बात कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और इंटरनल एनर्जी में होने वाली तब्दीली जीरो हो जाती है। एक और बात यहाँ लिखी नहीं है, मैं समझा देता हूँ, बल्कि लिखा होगा टेम्परेचर कैन बी केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा, बाय सप्लाइंग हीट एंड रिड्यूसिंग प्रेशर एट द सेम टाइम। बस समझ लो कि टेम्परेचर कैसे कॉन्स्टेंट रखा जाएगा, जो पूरी कहानी आपको मैंने सुनाई है, इसका तरीका क्या है कि हीट सप्लाई करो और साथ में क्या करो, गैस को फैलने का मौका दो। इसका रिवर्स भी हो सकता है, इसका रिवर्स भी क्या हो सकता है मेरे बेटा, कि अगर सिस्टम में से हीट निकाले तो टेम्परेचर कम होगा, ऊपर से क्या करे, गैस को कंप्रेस कर दे। सिस्टम में से हीट को निकाला जाए, कोल्ड बॉडी में रख दो, हीट निकल जाएगी, हीट निकलेगी तो टेम्परेचर कम होगा, ऊपर से लोड बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी कि प्रेशर के इस्तेमाल करते हुए, प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए हीट की तब्दीली के दौरान भी हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, इसको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक का नाम होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन,
और एक का नाम होता है आइजोथर्मल कंप्रेशन, एक का नाम होता है आइजोथर्मल एक्सपेंशन। यानी कि आज जब हम आइजोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो इसके भी दो दो तरीके हैं, एक का नाम होता है एक्सपेंशन और एक का नाम होता है कंप्रेशन। एक जब प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, सिस्टम को हीट दे रहे हो, दूसरा जब प्रेशर को कम कर रहे हो, जब प्रेशर को बढ़ा रहे हो और सिस्टम में से हीट बाहर निकाल रहे हो। एग्जाम में अगर आएगा तो एक ही लिखना होता है, अमूमी तौर पर आइजोथर्मल एक्सपेंशन होता है। आइजोथर्मल एक्सपेंशन की हम बात करेंगे पहले, फिर अगले मरहले में आइजोथर्मल कंप्रेशन की बात करेंगे। इन आइजोथर्मल एक्सपेंशन द सिलेंडर जो सिस्टम हमारा है, आपको याद होगा कि जब हम बात करते हैं कंसीडर सिस्टम विद कंसीडर ऑफ सिलेंडर, जो पहला हमारे पूरी कहानी सुनाई गई है वही काम करना है, सिलेंडर लेना है। सिलेंडर को हमने क्या करेंगे, हॉट बॉडी के ऊपर रखेंगे और प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, हॉट बॉडी पर रखेंगे प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। समझ लो बात फिर ध्यान से, दो काम एक साथ किए जा रहे हैं, एक तो हम क्या कर रहे हैं इसको हॉट बॉडी पर रख रहे हैं और सेकेंडली क्या कर रहे हैं मेरे बेटा, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को हम कम कर रहे हैं। Due to expansion, the temperature decreases and at the same time, delta Q amount of heat is absorbed from the hot body and temperature remains constant. Temperature क्या रहेगा इसका? Maintain रहेगा, constant रहेगा। यहाँ ध्यान से आप देख लेते हैं, पहले pressure देखो जरा गौर से diagram को देखना। पहले यहाँ पर मैंने दो load रखे हुए थे, अगर आप इस diagram को तवज्जो देके थोड़ा मेरे बेटा गौर से देखो कि मैंने क्या किया, सूरत हाल को अगर हम गौर से तवज्जो देके देखते हैं, अगर हम डायग्राम को मेरे बेटा गौर से देखते हैं, पहले मेरे पास प्रेशर कितने रखे थे, दो लोड रखे थे, ये लोड कहलाता है, इसमें दो लोड रखे हुए थे, अभी हीट नहीं थी। अब मैंने हीट दी, जब मैंने हीट दी तो सिस्टम के अंदर हीट चली गई, इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, मगर एट द सेम टाइम तो यहाँ पर लोड दो रखे थे, मैंने दो से कम करके एक कर दिया। जब मैंने लोड कम कर दिया तो लोड कम करने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा जो टेम्परेचर में कमी का बाइस बनेगा। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ की शक्ल क्या बनती है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है लिहाजा डेल्टा यू की वैल्यू जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है लिहाजा इंटरनल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं होगी, डेल्टा यू जीरो होगा। ख्याल रखना डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। वॉल्यूम बढ़ा है ना, जब भी वॉल्यूम बढ़ता है वर्क डन बाय सिस्टम होता है जो पॉजिटिव होता है। मैंने आपको पहले समझाई ये बात पहले आपको बता दी गई है कि जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, डेल्टा डब्ल्यू हमारा पॉजिटिव होगा। इसमें अगर हम इस फार्मूले को डेल्टा यू की जगह पर जीरो पुट कर दें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया मेरे बेटा, डेल्टा क्यू हमारा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो गया। एक चीज हमारी वैनिश हो गई, खत्म हो गई, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास हो गया है। यानी आज थर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में तब्दीली नहीं होती है, इंटरनल एनर्जी सेम है। एज वर्क इज डन बाय द सिस्टम देयरफॉर डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, डेल्टा क्यू इज डेल्टा डब्ल्यू। अब आगे की कहानी सुनिएगा, कंक्लूजन क्या निकला इसका। कंक्लूजन ये निकला कि जितनी हीट मैंने दी डेल्टा क्यू वो सारी की सारी कहाँ चली गई, वो सारी की सारी हीट चली गई वर्क में। जितनी हीट सप्लाई की गई है वो तमाम के तमाम हीट, ऑल द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग आइजोथर्मल एक्सपेंशन, ड्यूरिंग आइजोथर्मल एक्सपेंशन ये कंप्रेशन लिखा हुआ है, कंप्रेशन कर दीजिएगा, ड्यूरिंग आइजोथर्मल एक्सपेंशन इज यूज्ड इन डूइंग वर्क, ये वर्क करने में इस्तेमाल हो जाएगा। आइजोथर्मल एक्सपेंशन में जितनी हीट दी जाएगी वो तमाम की तमाम हीट किस काम आएगी, वर्क करने में इस्तेमाल हो जाएगी। तमाम की तमाम हीट जब सप्लाई करेंगे वो कहाँ इस्तेमाल हो जाएगी, वर्क करने में हमारे पास जब इस्तेमाल हो जाएगी। ऑल द हीट सप्लाइड इज यूज्ड इन डूइंग वर्क। नोट देख ले, एक और बात ये आता है एमसीक्यूज के अंदर, मैक्सिमम वर्क इज डन इन आइजोथर्मल एक्सपेंशन। चार पॉसिबल आइजोथर्मल, एडियाबेटिक
और जनाब आइसोकोरिक आइसोबैरिक, सबसे ज्यादा वर्क, मैक्सिमम वर्क जो हो सकता है वो मैक्सिमम वर्क आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होता है। ये एमसीक्यू तो पूछते हैं अक्सर, मैक्सिमम वर्क इज डन इन डैश प्रोसेस, चारों प्रोसेस के नाम लिख देंगे, मैक्सिमम वर्क इज डन इन डैश प्रोसेस, ये अक्सर एमसीक्यू के अंदर आता है, ख्याल रखिएगा, ये आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होता है, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है लिहाजा बॉयल्स पर एप्लीकेबल होता है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होने की वजह से हमारे पास यहाँ बॉयल्स लॉ, कौन सा लॉ मेरे बेटा, बॉयल्स लॉ हमारे पास जो एप्लीकेबल होता है, क्या कहता है बॉयल्स लॉ, पीवी इज इक्वल टू, बॉयल्स लॉ हमसे कहता है कि जो पीवी होता है वो पीवी जनाब किसके बराबर होता है, के बराबर होता है, तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। एक और एमसीक्यू बनता है इसके अंदर से कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस डैश लॉ इज एप्लीकेबल, या बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल इन डैश प्रोसेस, ये एमसीक्यूज के हवाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तौर पर ख्याल रखिए। फिर जनाब ग्राफ की बात करते हैं, जैसा कि बताया गया तो ग्राफ भी बनेगा, अगर ग्राफ बनाया जाए बिटवीन पी एंड वी इन आइसोथर्मल प्रोसेस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, तो ये खास किस्म का कर्व बनता है जिसको पैराबोलिक कर्व कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व ख्याल रखिएगा, जिसको आइसोथर्म भी कहते हैं, पैराबोलिक कर्व बनता है इसको आइसोथर्म भी कहा जाता है। ग्राफ जरा तवज्जो से गौर से आप देखिएगा, ग्राफ आपको हो सकता है लग रहा हो, ये हमारे पास यहाँ पर इसको पीवी डायग्राम भी कहते हैं, क्या नाम होता है बेटा इसका, पीवी डायग्राम भी इसका नाम होता है, ज्यादा बड़ी डायग्राम हो गई बात जा रही है, पीवी डायग्राम भी कहते हैं। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, ग्राफ हमने बनाया है इस तरीके से, कर्व बन रहा है, ऐसे कर्व का नाम होता है पैराबोलिक कर्व, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका नाम होता है आइसोथर्म कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बेटा, आइसोथर्म कहते हैं, आइसोथर्मल भी कह सकते हैं, अमूमी तौर पे लव आइसोथर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा हर पैराबोलिक कर्व को आइसोथर्म नहीं कहते, वो ग्राफ जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बने बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर उसका नाम होता है आइसोथर्म, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर पी वी डायग्राम को आइसोथर्म कहते हैं, जो कि पैराबोलिक कर्व होता है, क्या होता है मेरे बेटा, पैराबोलिक कर्व हमारे पास होता है। अगर हम इस कर्व के अंदर एरिया मालूम करें, क्या करें बेटा, कर्व के अंदर एरिया मालूम करें तो उसको वर्क डन कहते हैं, कोई से भी दो पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट ए ले लिया, इसके बीच का जो एरिया मेरे पास है, इसके बीच का जो एरिया हमारे पास है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, इसको रिप्रेजेंट करता है बेटा जो बीच का जो एरिया हमारे पास है, इस पूरे जगह को अगर मैं फिल कर दूँ, पूरे एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, ये पूरा एरिया अगर मैं फिल कर दूँ, ये एरिया इसके अंदर आ रहा है, इस एरिया को ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, इसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी एमसीक्यू के अंदर पूछते हैं, इसी का मेरे बेटा जैसे कि बताया कि दो टाइप इसकी होती हैं, एक का नाम होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरे का नाम होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। पहले वाले पे इसको हमने क्या किया था, हॉट बॉडी पर रखा था, सिस्टम ने हीट गेन की थी, कहाँ रखा था मेरे बेटा, हॉट बॉडी पे रखा था, सिस्टम ने हीट गेन की थी, हीट गेन करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा था, ऊपर से लोड को कम करके उस टेम्परेचर में इजाफे को मैनेज किया था, बैलेंस किया था। अब इसका दूसरा पार्ट होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, अगर इसको दबाया जाए, इन आइसोथर्मल कंप्रेशन द सिलेंडर इज प्लेस्ड ओवर अ कोल्ड बॉडी, ये अगेन हमारे पास थोड़ा सा लिखने में आगे पीछे हो गया है, जरा देख लीजिएगा, टाइप करने में अक्सर मिस्टेक हो जाती है, ये एक्सपेंशन नहीं है, ये कंप्रेशन है, ऊपर की हेडिंग से मैच कीजिएगा, ख्याल रखिएगा ऊपर की हेडिंग से जनाब इसको आप जो मैच कीजिएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन हमारे पास है, तवज्जो दे के जरा देख लीजिएगा, इन आइसोथर्मल कंप्रेशन द सिलेंडर इज प्लेस्ड ओवर अ कोल्ड बॉडी, क्या रखेंगे बेटा इसको हम, कोल्ड बॉडी पर इसको रखा जाएगा। और थोड़ा बहुत आप लोग भी ध्यान लगा लिया करें मेरे बेटा, कि अगर हम मेन हेडिंग डली होती है,
सब काम मेन हेडिंग के अंदर ही हो रहा होता है, कभी कभार टाइपिंग में उनकी मिस्टेक हो जाती है तो खुद ही कंपनसेट कर देते हैं। वो अच्छी बात है, याद दिला देते हैं मेरे को, मैं करेक्शन कर लेता हूँ। आज जो थर्मल कंप्रेशन में कहाँ किया, इसको कोल्ड बॉडी पर रखा है और क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, सिस्टम पर जो प्रेशर है इस प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा। क्या करेंगे मेरे बेटे, जो प्रेशर हमारे पास है प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को बढ़ाया जाएगा। CREA ड्यू टू कंप्रेशन, जब कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, सिस्टम का बढ़ेगा। कंप्रेशन नहीं है, कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज रिमूव फ्रॉम द सिस्टम ड्यू टू प्लेसिंग ऑन कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी पर रखा जाएगा, कोल्ड बॉडी पर रखने से हीट लॉस करेगा, कंप्रेशन दबाने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, ओवरऑल टेम्परेचर सेम रहेगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो रहेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू जीरो, सारा वही वाला काम है, सब कुछ नया काम नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर चूंकि हमने कंप्रेस किया है, जरा गौर से बेटा, चूंकि हमने सिस्टम को कंप्रेस किया है, दबाया है, ऊपर से हमने खुद से वर्क किया, जब खुद से वर्क किया जाता है तो वर्क नेगेटिव होता है। तो कंप्रेस करोगे दबाओगे तो वर्क नेगेटिव होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होता है तो वर्क हमारे पास नेगेटिव होता है, वर्क हमारा कम हो जाएगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू। कंक्लूजन निकलेगा कि जो हीट लॉस होगी वो वर्क के बराबर होगी, जितना वर्क किया जाएगा इतनी हीट लॉस हो जाएगी, जितना वर्क किया जाएगा ऑल द हीट, सब आगे पीछे टाइपिंग के अंदर हो गया है, ऑल द हीट रिमूव फ्रॉम द All the heat is removed from the system. जितनी हीट हमने क्या की है सिस्टम से, all the heat removed from system, हमने सिस्टम से हीट क्या की है, remove from system, जितनी भी हीट हमने सिस्टम से रिमूव की है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी किसके बराबर होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम के बराबर, वर्क डन ऑन द सिस्टम के बराबर होगी। 19 की करेक्शन है, देख लीजिएगा सही कर दीजिए। ये आपके पास हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, एग्जाम में अगर आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस सिर्फ एक्सपेंशन लिखना है, कब अगर मेंशन कर दे कंप्रेशन लिखना है तो लिखना, वरना कंप्रेशन ना लिखना। ये पता इसलिए भी होना चाहिए कि हम आगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वहां इसकी हमें दोबारा जरूरत पेश आएगी। इस सिलसिले में हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस को उर्दू में कहते हैं हर ना गुजार अमल, हर बड़ी वाली हलवे वाली जैसे, हर के मतलब होता है हरारत, हीट से निकला है हर, ना के मतलब होता है नहीं, गुजार के मतलब होता है पास होना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से सिस्टम में से हीट पास ना हो सके, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से सिस्टम में से हीट पास ना हो सके, सिस्टम में से हीट ना जाए, सिस्टम की बाउंड्री, सिस्टम की दीवारें इंसुलेटिंग मटेरियल की, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती हैं, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, यानी ना तो सिस्टम के अंदर हीट जाएगी, ना तो सिस्टम में से हीट बाहर आएगी, ना तो सिस्टम के अंदर हीट जाएगी, ना तो सिस्टम के अंदर हीट जाएगी, ना सिस्टम से हीट बाहर आएगी, नाइदर इंटर्स नॉर कम्स आउट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। एक चीज जहां से बता दूं आपको मैं इससे पहले, बल्कि देख लो, सिंस नो हीट इंटर द सिस्टम और लीव द सिस्टम, ना तो अंदर आए ना तो बाहर जा रही है, तो सिस्टम को हीट दी जाती है उसको कहते हैं डेल्टा क्यू, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा क्यू कहते हैं, ना तो अंदर आ रही है ना तो बाहर जा रही है, लिहाजा डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो होगी, क्या होगी, डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। सिस्टम किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है और एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, पहले एक्सपेंशन देख लेते हैं। एक सिस्टम ले लेते हैं जो कि एक सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है विद अ मूवेबल पिस्टन, वही पुरानी कहानी है, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर, सब सुनना गौर, असल बात,
एंड द पिस्टन आर मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो असल बात समझने की है, वो जो वॉल होती है सिलेंडर की और जो पिस्टन की, वो इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी होती है, जिसकी वजह से ना तो हीट सिस्टम के अंदर जा सकती है ना तो हीट सिस्टम के बाहर आ सकती है। दोनों हीट क्या रहे, ना तो अंदर जाएगी ना बाहर आएगी। डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक सिस्टम मेरे पास मौजूद है, इसका प्रेशर पी वन है, इसका प्रेशर पी टू है। दीवारें किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर होना मुमकिन नहीं है। अब सवाल यह है कि वर्क होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन इज दैट कि इस सिनेरियो में अब वर्क होना मुमकिन है या वर्क होना मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल जनाब वर्क हो सकता है, हमें पता है हम वर्क करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? अगर हम पिस्टन पर से लोड को कम कर दें, अगर हम पिस्टन पर से लोड को डिक्रीज कर दें, पिस्टन पे से लोड को कम कर दें। यहाँ देखो गौर से मेरे बेटा, यहाँ पर दो लोड रखे हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास अगर येलो कलर से बने हुए लोड शायद आपको नजर अगर नहीं आ रहे हो, हम इसका कलर जनाब चेंज किए देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ लोड हमारे पास रखा हुआ है, तवज्जो देके देखें। यहाँ पर एक लोड ये रखा हुआ है, दूसरा लोड ये रखा हुआ है। अब क्या किया मैंने, लोड को डिक्रीज कर दिया। जब मैंने लोड को डिक्रीज कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड होगी। प्रेशर कम होने से गैस एक्सपेंड होगी, प्रेशर कम करते हैं तो गैस एक्सपेंड होती है, फैलती है, फैलेगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फैलेगी तो इसका वॉल्यूम जनाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका मतलब है सिस्टम ने काम किया है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या किया मेरे बेटा हमने, क्या किया हमने, हमने सिस्टम को रखा, कहाँ रखा सिस्टम को हमने, सिस्टम के ऊपर से लोड को हमने डिक्रीज किया है, लोड को हमने कम किया है। जब लोड को डिक्रीज करेंगे, जब लोड को कम करेंगे, तो लोड को कम करने की वजह से क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगी, फैलेगी, वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ रहा ना बेटा, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, और चेंज होकर एक्सपेंशन के नतीजे में टेम्परेचर कम हो जाता है। एक्सपेंशन के नतीजे में टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करता है, टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है। जी मेरे बेटा, एक मिनट चाहिए तो सवाल जनाब हमारे पास है कि इन्होंने सवाल ये किया कि जब इसमें हीट ही नहीं निकल रही है तो किस तरह का थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हमारे पास हुआ है। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो इसका ताल्लुक टेम्परेचर से भी होता है। जब सिस्टम के अंदर की हम बात करते हैं मेरे बेटा, सुन ले जरा गौर से, जब सिस्टम के अंदर की हम बात करते हैं तो सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर तो तब्दील हो रहा है। सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर है, वो सिस्टम के अंदर टेम्परेचर तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है, इस वजह से उसको थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस कहा जाएगा, और थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में वर्क होता है। अभी मेरे बेटा इसकी इक्वेशन आगे बनेगी तो आपको उस सवाल का जवाब आपको ऑटोमेटिकली उस इक्वेशन के जरिए मिल जाएगा। अब सुने वर्क कैसे कराया हमने, बताया आपको वर्क कराने के लिए हमने क्या किया। थोड़े सवाल आपने अर्ली कर लिया, कोई बात नहीं, पहले सवाल करना चाहिए, अच्छी बात, मुझे खुशी होती है कि आप लोग बिल्कुल जनाब जो है वो सवाल कर लेते हैं। बिल्कुल पता होना चाहिए आप लोगों के लिए, पढ़ाया जाता है, आप लोग सवाल करेंगे तो जरा मुनासिब रहेगा। अगर हम क्या करते हैं मेरे बेटा, लोड ऑन पिस्टन को डिक्रीज कर देंगे तो गैस वर्क करेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा क्यू बराबर हो रहा है किसके, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। डेल्टा क्यू किसके बराबर है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। चूंकि ना तो हीट सिस्टम के अंदर आ रही है ना तो हीट सिस्टम के बाहर जा रही है, डेल्टा क्यू जीरो है। बाहर से तो हीट नहीं आ रही मगर अंदर तो हीट है ना बेटा, बाहर से तो हीट नहीं आ रही है मगर सिस्टम के अंदर तो इंटरनल एनर्जी मौजूद है जो इस्तेमाल होगी, कंज्यूम होगी। अभी आपको नेक्स्ट इक्वेशन में इसका जवाब मिल जाता है। एज द वर्क डन बाय द सिस्टम देयरफॉर डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव। डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगा, डेल्टा क्यू की जगह पर जीरो आ गया है, ये प्लस का डेल्टा यू था, यहाँ आएगा तो माइनस का डेल्टा यू होगा। एक तरफ हमारे पास प्लस का डेल्टा यू था, दूसरी तरफ जाएंगे मेरे बेटा तो माइनस का डेल्टा यू हमारे पास हो जाएगा। तवज्जो देखें और से देख ले, वर्क हो गया, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क इन्वॉल्व होता है, वर्क हो गया और किसकी वजह से हुआ, इस मर्तबा जो वर्क हमारे पास हुआ है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से हमारे पास वर्क हुआ है।
इक्वेशन गौर से देखना बेटा, इक्वेशन पे तवज्जो दीजिएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा यू हमारे पास हो गया है, और कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जितना भी वर्क हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वर्क तो हुआ है ना यार, गैस का वॉल्यूम बढ़ा है, वर्क तो हुआ है, और जो वर्क हुआ है वो ड्यू टू इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क हुआ है। किसकी वजह से वर्क हुआ है? इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क हुआ है। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो इक्वेशन हमारे पास वैलिड होती है वो होती है पी वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक छोटा सा खुद्दा सा कोने में देखो मेरे बेटा, तो ये गैमा लगा हुआ है, ये गैमा आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट के अंदर, क्या होता है, क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी को गैमा कहते हैं। इसको कहते हैं बेटा सीपी अपॉन सीवी को जनाब गैमा जो है वो कहा जाता है। आइसोथर्मल के अंदर पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, आइसोथर्मल के अंदर पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसके अंदर पीवी की पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। PV की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास होता है, गैमा CP अपॉन CV होता है। ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी पैराबोलिक कर्व होता है, बिल्कुल आइसोथर्मल की तरह होता है, मगर इसको आइसोथर्म कहते नहीं है, इसको आइसोथर्म कहते नहीं है, इसलिए आइसोथर्म के लिए शर्त होती है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, होता वैसा ही है, थोड़ा सा कर्व में फर्क होता। अगर आइसोथर्मल होता तो कर्व इस तरीके से बनता जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रहा है, ये कर्व थोड़ा सा नीचे चला गया, ये कर्व थोड़ा सा नीचे हमारे पास चला गया है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो कर्व की शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती, कर्व की शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है, होता पैराबोलिक कर्व ही है, मगर इसको आइसोथर्म नहीं कहते हैं। इसके अंदर जो एरिया होगा वो भी आपका वर्क कहलाएगा, इसके अंदर जो एरिया है वो भी आपका वर्क कहलाता है। अगेन इसका जो दूसरा पार्ट है एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, इस पर रिवर्स काम हो जाएगा, इसमें क्या होगा, रिवर्स काम हो जाएगा, इस पर हम क्या करेंगे, लोड को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, लोड को बढ़ाएंगे, लोड को बढ़ाने की वजह से अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, गैस गर्म हो जाएगी, वर्क कर रहे हैं बाहर से कर रहे हैं वर्क, कैसे कर रहे हैं वर्क, लोड को बढ़ा के वर्क कर रहे हैं, प्रेशर पहले कम था उस पर और वेट रख दें, और लोड रख दें, वजन को बढ़ा दें, वेट को बढ़ा दें, बार को बढ़ा देंगे तो वर्क सिस्टम पर हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो वर्क डन ऑन सिस्टम हमारे पास होगा। बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है ये, बस ये ख्याल रखना कि इसके अंदर वॉल्यूम हमारा कम हो जाता है, इसके अंदर जो वॉल्यूम हमारा होता है, तवज्जो से देख लो क्या कर रहे हैं, लोड को हमने क्या किया है, पिस्टन पे से इंक्रीज किया, क्या किया है, पिस्टन पे इंक्रीज किया है, गैस को कंप्रेस किया है, कंप्रेस करते हैं तो वर्क डन ऑन सिस्टम होता है। फर्स्ट लॉ कह रहा है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा क्यू तो जीरो है कि ना हीट अंदर आ रही है ना हीट बाहर जा रही है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि वर्क भी हो रहा है, अंदर एनर्जी में फर्क भी हो रहा है, लिहाजा इसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहा जाएगा। कंक्लूजन क्या है कि द अबव इक्वेशन शोज दैट व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ये डबल डबल लिखा हुआ आ गया है, इसको जरा करेक्शन कर लीजिएगा, ये डबल डबल लिखा हुआ आ गया, परेशानी की बात नहीं है। ऑन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये हमारे चारों प्रोसेस या कंप्लीट हो गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं, जल्दी जल्दी मैंने इसको करा दिया है, इसलिए टाइम मुझे 5 मिनट चाहिए थे। अब इन चारों प्रोसेस की एक समरी बना रहे हैं, इन चारों प्रोसेस की मेरे बेटा एक समरी हम यहाँ पर बना देते हैं, जिसके जरिए आपके एक ही स्क्रीन पर ये चारों प्रोसेस आपके सामने आ जाएंगे, एक ही स्क्रीन पर जो चारों प्रोसेस हैं वो सारे के सारे प्रोसेस में एक ही स्क्रीन पर आपके सामने कर देते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें से ढेर सारे MCQs बन सकते हैं, इसमें से ढेर सारे MCQs बन सकते हैं, सारे प्रोसेस को मैंने समराइज करके जनरलाइज करके सामने कर दिया है। पहला आइसोबैरिक प्रोसेस है, पहला आइसोबैरिक प्रोसेस है, इसमें कौन सी क्वांटिटी, प्रोसेस का नाम लिखेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी, अगर टाइप है तो है, नहीं है तो नहीं है, इक्वेशन क्या बनेगी, कौन सा लॉ वैलिड होगा, किस तरह का ग्राफ बनेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है, डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है, याद होना चाहिए डेल्टा डब्ल्यू जीरो होगा तो आइसोकोरिक होगा, इसकी कोई टाइप नहीं होती है, इसकी फाइनल इक्वेशन बनती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। लॉ ऑफ प्रेशर इस पे एप्लीकेबल होता है, PV अपॉन T इज इक्वल टू K, लॉ ऑफ प्रेशर एप्लीकेबल होता है, कौन सा
और ग्राफ अगर इसका बनाया जाए मेरे बेटा, तो पीछे तफसील से देख लीजिएगा, ग्राफ बनता है एक लाइन जो कि वर्टिकल लाइन होती है, प्रेशर के एक्सिस के पैरेलल होती है। उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक के अंदर क्या चीज कांस्टेंट होती है? प्रेशर कांस्टेंट होती है। इसमें कोई चीज जीरो नहीं होती, इसमें कोई चीज जीरो नहीं होती, इसकी भी कोई टाइप नहीं होती। इसकी इक्वेशन होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू मेरे बेटा इसकी इक्वेशन होती है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास जनाब इसकी इक्वेशन जो होती है, ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारी इक्वेशन बनती है किसके अंदर? आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। कौन सा लॉ इसके अंदर होता है वैलिड? जो लॉ इसके अंदर वैलिड है वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जगह नहीं थी मेरे पास लिखने के लिए, आप चार्ट बनाइएगा लिख लीजिएगा। कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ है। कौन सा लॉ है मेरे बेटा? चार्ल्स लॉ हमारे पास ही, चार्ट लाजमी बनाइएगा। ग्राफ बनाएंगे तो वर्टिकल लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि पैरेलल होगी किसके? वॉल्यूम के एक्सिस के पैरेलल होगी। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा यू जीरो होता है। क्या होता है इसके अंदर? डेल्टा यू जीरो होता है। इसकी दो टाइप होती है, एक एक्सपेंशन होती है, एक कंप्रेशन होती है। एक एक्सपेंशन होती है, एक कंप्रेशन होती है। एक्सपेंशन में डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होता है, कंप्रेशन में डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है। कोई भी इक्वेशन दे देंगे, प्रोसेस का नाम पूछ लेंगे, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसमें पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यानी बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ मेरे बेटा? इसके अंदर बॉयल्स लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है। लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। ग्राफ बनाते हैं, वही ग्राफ है मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पर, इसको आइसोथर्म जो नाम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसमें नो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, डेल्टा क्यू हमारे पास जीरो होता है। टाइप्स इसकी भी दो होती है, एक्सपेंशन होता है और हमारे पास क्या होता है? कंप्रेशन होता है। इक्वेशन की बात करते हैं तो माइनस का डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होता है और डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है। लॉ की बात करते हैं तो पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है? पीवी की पावर, पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। सारे लॉ समझ लेना, किस वाले प्रोसेस में किस लॉ का इस्तेमाल करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। और इसका मेरे बेटे का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका भी ग्राफ इस तरीके से पैराबोलिक कर्व बनेगा, मगर इसका नाम बहरहाल आइसोथर्म नहीं होगा। अब इसके अंदर ढेर सारे एमसीक्यूज बने हुए हैं, अगर आप गौर से देखो तो इसके अंदर ढेर सारे एमसीक्यूज बने हुए हैं। किस तरीके से एमसीक्यूज बने हुए हैं तवज्जो देके मेरे बच्चा गौर से ध्यान से देख लो। क्या करेंगे? कभी इक्वेशन दे देंगे, प्रोसेस का नाम पूछ लेंगे। कभी आपको प्रोसेस का नाम दे दिया जाएगा, नीचे चार इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे ये किसकी इक्वेशन है। कभी आपको जनाब लॉ का नाम, ये चारों लॉ का नाम दे देंगे। कभी आपको एक जनाब क्या करेंगे, ये चार लॉ दे देंगे और पूछेंगे प्रोसेस कौन सा है। ठीक है जनाब, इस तरीके से आपके पास ढेर सारे एमसीक्यूज इसके अंदर बन सकते हैं। मैक्सिमम वर्क इज डन इन डैश प्रोसेस। ठीक है जनाब, नो वर्क इज डन इन डैश प्रोसेस। वर्क नहीं होता किसके अंदर? नहीं होता आइसोकोरिक के अंदर वर्क नहीं होता। इस तरीके से इसमें ढेर सारे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, ढेर सारे एमसीक्यूज इसके अंदर हो सकते हैं। इस चार्ट को कॉपी कर लीजिएगा, जो सवाल इसके अंदर बनेगा फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर सवाल कर लीजिएगा। ये काफी मैंने रैपिड तेज पढ़ाया है, क्लास में पढ़ाता तो शायद टाइम ज्यादा लगता, इसको जल्दी जल्दी हमने समेट दिया है। और अगर आप गौर से देखेंगे क्लास कभी भी एंड हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब हमारे पास दो टॉपिक रह गए हैं इसके अंदर, सिर्फ एक हमारे पास रह गया है क्या मेरे बेटा? न्यूमेरिकल रह गए हैं और एक सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर।